नमस्कार दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर महापुरुष आते हैं और समाज में व्याप्त बुराइयों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तब उनका उस समय के स्वार्थी धर्म के ठेकेदारों द्वारा घोर विरोध किया जाता है। इतिहास गवाह है कि महापुरुषों के चले जाने के पश्चात सच्चाई से रूबरू होकर जनता उनकी मूर्तियां तक बनाकर पूजा करने लग जाती है और उनके धामों पर जाकर सिर झुकाने में अपना कल्याण समझते हैं। जैसे कि आज से 600 वर्ष पहले काशी में जब कबीर साहब आए थे, तब कुछ स्वार्थी धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें 52 बार जान से मारने की मिथ्या कोशिश की थी। कभी तलवारों से काटा तो कभी हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी व गंगा में डालकर तीर तोपों के गोलों की बौछार की गई, तो कभी झेरे कुएं और गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। तो कभी बांधकर खूनी हाथी के सामने डाल दिया गया, लेकिन वे तो अविनाशी थे, उनका बाल बाका तक नहीं कर सके। और अब उनके चले जाने के बाद आज कई करोड़ लोग उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी, जब उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना, तब स्वार्थी धर्म के ठेकेदारों ने उनका कड़ा विरोध किया और यहाँ तक कि नानक जी को 7 महीना 17 दिन बाबर की जेल में भी रहना पड़ा। और वर्तमान में उन्हीं नानक देव जी को पूरा सिख समाज मानता है। इसी प्रकार ईसा मसीह जी को देख लो, उस समय स्वार्थी धर्म के ठेकेदारों ने उनके ज्ञान का विरोध करके उन्हें करस तक करवा दिया और आज पूरे ईसाई धर्म के लोग उनको पूजनीय मानते हैं। इसी तरह मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब जी का विरोध किया गया था, लेकिन आज पूरा मुसलमान धर्म उनको नबी मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी आए थे, तब तो स्वार्थी लोगों द्वारा उनका कड़ा विरोध किया गया था, जैसे कि पूतना, केसी, चानोर, शिशुपाल, जरासिंध और काल्यवन, इन सभी ने भगवान को जान से मारने की कोशिश की। इन सभी से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का त्याग करके द्वारका बसाई और आज हिंदू धर्म के लोग उन्हें पूजते हैं। और अब वर्तमान काल में संत रामपाल जी द्वारा सत्शास्त्र अनुकूल ज्ञान देने व समाज में व्याप्त कुरूतियों, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, पाखंडवाद क्रिया जैसी सामाजिक बुराइयों को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया, तो उनका स्वार्थी धर्म के ठेकेदारों ने राजा व जनता को भ्रमित करके समाज में संत रामपाल जी के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया और संत जी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। सतलोक आश्रम पर करो या मरो का ऐलान आर्य प्रतिनिधियों ने किया, आश्रम पर पथराव, करो था विवाद, आर्य समाजियों पर बने केस वापस लेगी सरकार। जिसके परिणाम स्वरूप आज संत रामपाल जी जेल में हैं। दोस्तों आइए कुछ जानते हैं संत रामपाल जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब को अपना इष्ट देव मानने वाले संत गरीबदास जी के 12वें पंथ के प्रचारक व आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें उनके गुरु स्वामी राम देवानंद जी ने उन्हें 1994 में नामदान देने का आदेश देकर अपना उत्तराधिकारी बनाया था। दोस्तों कबीर साहब जी ने गरीबदास जी के इसी 12वें पंथ के विषय में 600 साल पहले कबीर सागर में भविष्यवाणी कर कहा है कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में मैं कबीर स्वयं चलकर आऊँगा और उस समय के चल रहे नकली पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाऊँगा। इसी कथन के नक्शे कदम पर चलते हुए संत रामपाल जी ने सन 2009 में ही विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और इन सभी धर्म गुरुओं की सच्चाई से रूबरू करवाया था। तो आइए पहले देखते हैं वर्तमान समय के लिए गरीबदास जी के 12वें पंथ के बारे में कबीर सागर में क्या भविष्यवाणी की गई है। 12वें पंथ प्रगट हो बानी,
और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय, अस्थिर कर कामरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथ हमी को धावें, बर्म में पंथ फिर हम ही चल आवें। होय होय, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। कबीर साहब के बारह पंथों का वृतांत इस प्रकार है। ते प्रथम नारायण दास ने ये चूड़ामणि है, और दूसरा जग्गूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाली पंथ, पांचवा छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, ग्यारहवा जीवा पंथ, और बारहवा गरीबदास पंथ। तो दोस्तों, अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के अवतार हैं या नहीं। जिस तरह कबीर साहब जी ने बहुत से महापुरुषों को सतलोक दिखाया है, जिनमें से आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी, दादूदास जी इत्यादि, इसी प्रकार संत रामपाल जी भी अपने हजारों अनुयायियों को जीते जी सतलोक दिखा चुके हैं। बैतूल एमपी की रहने वाली बहन भारती को जब संत रामपाल जी ने जिंदे जी सतलोक में कुछ ऐसा घटित होते दिखाया कि बहन भारती संत रामपाल जी को सतपुरुष कबीर साहिब का अवतार मानने को मजबूर हो गई। रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए, और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे चल रहे थे, दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे थे, और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी, और एक उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था, तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदिशो सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी, और फिर परमात्मा बंदिशो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए, और वहाँ पर बंदिशो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए, और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए, और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया, फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है, और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदिशो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, और जिस सतपुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदिशो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं, परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं, और वो आपके लिए पलके बिछाए खड़े हैं। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ, दास पलके बिछाए बैठा आपके लिए, आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली को अभी एक महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से, तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे, और वो बोल रहे थे, और चार दो बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, दो इस बगल, तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी, तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है, तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है, तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है, तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं,
कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रकट हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो वहीं प्रकट हो गए। प्रकट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं, जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे, 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने तो वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था, मेरी रजाई, मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जो कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्यनेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिरहाने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्यनेम सुना मैंने और गुरुजी का स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया बिल्कुल। नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्यनेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्यनेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है, हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था, दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे, इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। दोस्तों, यह तो सिद्ध हो गया कि कबीर साहेब ही संत रामपाल जी के चोले में इस धरती पर विद्यमान हैं। दोस्तों, हमारी परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालुओं से गुजारिश है कि वक्त रहते हुए संत रामपाल जी को पहचानें, उनके बताए हुए ज्ञान को सुने, उनके ज्ञान को सदग्रंथों से मिलान करें और ज्ञान समझने के बाद संत रामपाल जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए द ट्रू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।